तो रूल नंबर वन कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास, हमने क्या किया पॉइंट मास, तो नोट करें फॉर्मूला इसका m इंटू आर का स्क्वायर। तो अगर ये पॉइंट मास है m, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो r डिस्टेंस पे रोटेट करेगा, अगर मान लो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है तो i की वैल्यू क्या होगी एम आर स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। दूसरा फिगर रिंग, तो रिंग के केस में अगर एक्सिस सेंटर यहाँ से पास हो रहा है तो फॉर्मूला हमने क्या किया आई का फॉर्मूला यहाँ पर एम इंटू आर का स्क्वायर। तो रिंग के केस में अगर एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है तो एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस फॉर्मूला याद होने चाहिए तो रिंग का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट है डिस्क, एक डिस्क का फॉर्मूला हमने क्या किया, अगर एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है रेडियस आर है तो आई का फॉर्मूला क्या था 1/2 इंटू एम आर स्क्वायर। तो डिस्क अगर एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है तो हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर इसका रेडियस r है तो i इज इक्वल टू क्या करवाया था 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर, जो हॉलो स्फीयर है वो अंदर से क्या है खाली है, हॉलो स्फीयर या शेल एक ही बात है, स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फीयर एक ही बात है। तो फॉर्मूला नोट करें, तो हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला अगर एक्सिस सेंटर से पास करता है तो आई का फॉर्मूला इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर। ठीक, तो सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, हॉलो स्फीयर का 2/3 एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर में अगर फिगर ऐसी बनाएंगे और एक्सिस ये रखेंगे, इसका रेडियस आर है और मास एम है, तो आई की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर। तो सॉलिड सिलेंडर के केस में 1/2 एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, तो अगर हॉलो सिलेंडर है और एक्सिस इसका ऐसे ही है, हॉलो का मतलब अंदर से खाली है, और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल शेल, शेल का मतलब अंदर से खाली है, तो आई की वैल्यू विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। याद करने का तरीका भी एक शॉर्टकट भी है, पता है क्या, सॉलिड सिलेंडर किसका बना हुआ है, डिस्क का,
और डिस्क का आई क्या होता है एक्सिस के अबाउट 1/2 mr², तो पूरे सॉलिड सिलेंडर का भी 1/2 mr², और ये सिलेंड्रिकल शेल किसके पर किसका बना हुआ है, रिंग का, काटोगे तो रिंग निकलेगी, रिंग रिंग रिंग्स, और रिंग का क्या होता है mr², आंसर mr². चलो दो फॉर्मूले तो फ्री में यहाँ से याद हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अगेन, लेकिन इस बार जो सॉलिड सिलेंडर है वो कैसे रोटेट कर रहा है, वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक, और लेंथ L है, मास M है, रेडियस R है, तो I का फॉर्मूला अभी लिखवाया था, M इंटू कितना R² / 4 L² / 12,